टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब का। सही सुना आपने, मेरा पहला व्लॉग है। मैं यूट्यूब की जर्नी अब स्टार्ट कर रहा हूँ। कनक मिश्रा व्लॉग, इसी चैनल पे आपको मेरे व्लॉग्स दिखेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम आप सभी लोगों को। आज है 8 जनवरी और आज से मैं यूट्यूब पे अपना व्लॉग डालना स्टार्ट करने वाला हूँ। आज से मैं वीडियो बनाऊंगा, व्लॉग नेक्स्ट डे आएगी। तो मैं सोच रहा था, बहुत टाइम से सोच रहा था कि यूट्यूब पे व्लॉग डालना स्टार्ट करूँ, तो बट कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब से डालूं, कैसे क्या बनाऊं। तो अभी मेरा सडन क्या है कि मैं कल 9 जनवरी है, कल से 12 जनवरी तक मैं मुंबई टूर पे हूँ अपने ऑफिस के कुछ काम से 4 दिन के लिए। तो ये मैं सोचा ये एक अच्छा टाइम रहेगा न्यू स्टार्ट के लिए। अभी कुछ महीने पहले ही मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन करी है, तो कंपनी की तरफ से ये ट्रिप है, तो एक अच्छा मेमोरी क्रिएट होगा। तो मैं सोच रहा था कि ये टाइम बिल्कुल सही रहेगा व्लॉग स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए। आप लोग भी देखोगे, मुझे जानोगे, लोग मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली वाले, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ नया है। सबको पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बट मैं सोच रहा था बहुत टाइम से कि व्लॉग डालूँ, ये अभी सही रहेगा। तो कोशिश करूंगा कि व्लॉग मैं कंटिन्यू करूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, या फिर डेली व्लॉग भी आ सकता है। वो चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि आप लोग का फीडबैक मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा समझने को। और दूसरी बात है कि बहुत टाइम से सोच रहा था कि YouTube जर्नी अपना स्टार्ट करूँ, YouTube पे ब्लॉग बनाना स्टार्ट। तो इसी के साथ मेरा YouTube का ये जर्नी स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना। तो मेरा पहला ब्लॉग है ये, अच्छे से इसको देखना, फीडबैक देना अपना मेरे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक वगैरह करना, और बताना कि कैसे क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है मुझे, और है ना, और क्या बोलूँ, और धीरे धीरे बातें आगे होती रहेंगी, है ना। तो चलते हैं फिर, आपको बताता हूँ कि कल मैं मुंबई निकल रहा हूँ। सुबह 5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है और मैं घर से 3 बजे तक निकल जाऊँगा। तो मेरी पैकिंग अभी बाकी है। मैं आज ऑफिस से जल्दी निकल गया था कि घर जाके पैकिंग वगैरह करके फ्री हो जाऊँगा, बट ऑफिस से निकलने के बाद कुछ शॉपिंग करना था, उसमें ज़्यादा टाइम लग गया, फिर मैं थोड़ा लेट हो गया। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, शायद 7 बज रहे हैं। तो मैं अभी ये पैकिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ। आइए आप लोग भी व्लॉग में बने रहिए, और चलते हैं मुंबई 4 दिन के लिए। मुंबई से घूम के आते हैं, ऑफिस का काम करके आते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है आप लोग व्लॉग में जरूर बने रहना, देखने को मिलेगा, है ना। तो आज से मेरा यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हो रहा है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बहुत टाइम से सोच रहा था मैं कि यूट्यूब पे व्लॉग डालूँ, बट कुछ एक सही मिल नहीं रहा था, मतलब एक आइडिया सही नहीं मिल रहा था कि क्या डालूँ, कैसे डालूँ, कब स्टार्ट करूँ, क्या टॉपिक रहेगा, कैसे बनाऊँगा। नर्वस फील हो रहा था कि कैसे बनेगा वीडियो, नहीं बनेगा, बट ठीक है, चीज़ें स्टार्ट करने से ही होंगी। तो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो शूट करना, व्लॉग डालूंगा। अभी भी थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, देखते हैं, बट बनाना है अब व्लॉग। सोच रखा हूँ कि व्लॉग बनाना है, यूट्यूब पे डालना है, लेट्स सी। ओके या तो ये है मेरा वार्डरोब। ओ ये बहुत, अभी बहुत टाइम से मैंने इसको ठीक नहीं करा है, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है ये, इसको बाद में देखेंगे। ये 2 सूटकेस है, एक ये वाला सूटकेस, एक ये ट्रॉली बैग जाएगा मेरे साथ, और ये एक ये ऑफिस का बैग है, ऑफिस लैपटॉप वाला बैग, ये 2 मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। बाकी कपड़े देखता हूँ, पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, इसमें क्या क्या है, कहाँ गया कहाँ गया, पहले ये ओपन करके देखता हूँ इसमें क्या है नहीं है, इसको खाली करना पड़ेगा। ये मुझे मेरे कंपनी से ज्वाइनिंग किट मिला था, ये नहीं लेके जाऊंगा, ये भी नहीं, ये बोतल लेके जाना है,
ये बॉटल है शुभारम्भ, ये बॉटल लेके जाऊंगा माँ की, इसको वापस रख दो, इसको रख दो अंदर। सो फाइनली लगेज तो पैक हो गया, ऑफिस वाला लैपटॉप बैग बचा, ओवरऑल पैकिंग हो गई कंप्लीट। अब मैं जा रहा हूँ सोने, बहुत टाइम भी हो गया और सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठना भी है, निकलना भी है फिर। तो मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग, तब तक के लिए गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी बज रहे हैं 3:30, 3:30 बजने वाले हैं, अभी रेडी हो चुका हूँ, कैब भी नीचे आने वाली है, बस निकलते हैं फिर। ओके दरवाजा खोलिए, भाई कैब आ गई है, निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। फाइनली हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और हमें मिले हैं यहाँ पे हमारे को पार्टनर लक्ष्य भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लक्ष्य भैया, अभी आ गए हैं, हम साथ में अब ट्रेवल करेंगे दिल्ली टू बॉम्बे, बने रहिए। अब मेरी चेकिंग हो गई है, लक्ष्य भैया की चेकिंग हो रही है, IGT टर्मिनल 1। और लगेज की चेकिंग हो चुकी है, बस सिक्योरिटी चेकिंग होनी बाकी है। गेट नंबर 42 इज अलाउड। लक्ष्य भैया की बाकी है अभी चेकिंग होनी, बस मेरी अब सिक्योरिटी चेकिंग बाकी है, लगेज चेकिंग हो चुकी है, सिक्योरिटी चेकिंग भी डन। अब हम जा रहे हैं फाइनल गेट नंबर, कौन सा गेट नंबर? 42 की तरफ। भाई इस बार तो इन लोगों ने जूते भी खुलवा दिए, कपड़े उतरवा दिए, जैकेट भी, ब्लेजर भी उतरवा दिए। बताओ, एक तो घर से रेडी हो के आओ, वापस से यहाँ पे रेडी होना पड़ रहा सुबह सुबह, एक तो अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट, मेरी ये पहली अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है, अभी तक के लाइफ में मेरी अर्ली मॉर्निंग की पहली फ्लाइट है। बहुत, एक तो सुबह सुबह ही अच्छी नींद आती है, ऊपर से सुबह सुबह नींद खराब, बताओ यार, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार। सोया भी नहीं भाई, सोया भी नहीं। वो रहा हमारा 42। हम मिलवाते हैं हमारे हमारे टीम के तीसरे बंदे से, हम आपको मिलवाते हैं। ये बंदा सबसे पहले आके बैठा हुआ है, ना फोन ना कॉल ना मैसेज कुछ नहीं है देखता। मिलिए कब आए हुए तुम? सवाल एक घंटा से आगे बैठा हुआ है, तो ठीक ठाक है, तो 2-4 दिन से गायब है तू यार। बिल्कुल मैं 3 बजे आके बैठा हुआ, सोया रात में? कहाँ सोया, क्यों नहीं सोया? 1 मिनट नहीं सोया, 1 मिनट नहीं सोया। तू ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट के बारे में कुछ बोलेगा? गलत है, एक तो सुबह सुबह नींद आती है ना, क्या बोल रहा
चाहिए। ये देखो हमारी एंट्री हो रही है। अभी भी नींद में है ये बंदा, अभी भी नींद में। वहाँ से फ्लाइट ली स्विट्जरलैंड के लिए, तो वहाँ पे पूरी फ्लाइट में अंधेरा रहा, और जब लैंड किया तब सुबह हो रही है, व्यू तो कुछ मिला ही नहीं। फिर उसके बाद जब हमने वहाँ से फ्लाइट ली तो वहाँ से हमारी रात हो रही थी, और जब हम दोहा से ली हमने फ्लाइट तो तब दिन हो रहा था, और जब यहाँ पर लैंड किया तो अंधेरा हो रहा। बस नहीं यार, ये ब्लॉगर मिनी ब्लॉग बना लो इसको, बहुत बड़ा ब्लॉग। कितने मिनट का ब्लॉग डालेगा? 10 मिनट का। How many subscribers you have? 10 से 12 मिनट का डालूंगा। कितने सब्सक्राइबर हैं? कितने सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर वो तो तुमको YouTube पे जाके देखना पड़ेगा। अरे हां तो पूछ रहा हूं मैं। नहीं, पहले जाके देखना पड़ेगा तुमको, तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब आप मैं तो सब्सक्राइब तब कर रहा हूं, अगर कम से कम इसके 1-2 लाख अगर सब्सक्राइबर होंगे तब करेगा सब्सक्राइब। ये देखो ये होते हैं मदद करना। एस इस मैं एक ही सब्सक्राइबर हूँ, मैं यूं बेशक पर मैं कर दूंगा। ये देखो ये लक्ष्य भैया सही बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैं प्रमोट करूँगा, ऐसा नहीं है। मैं प्रमोट करूँगा भाई, मैं खुद भी करूँगा सब्सक्राइब, टेंशन है। गलती होगी पता लगा तेरे सब्सक्राइबर कहीं मैंने कमेंट कर दिया, उसमें तो गालियाँ निकाल रहे मुझे। ये हीरो हैं लक्ष्य भैया हमारे टीम के। जरूरत से ज़्यादा भीड़ और हम यहाँ वेट कर रहे हैं। क्या चल रहा है? हमें मिल गई है एक्स्ट्रा सर्विस, हम ऑलरेडी बोर्डिंग करके बैठे हुए हैं। सारे पैसेंजर गए वापस, यहाँ कोई नहीं है अब, और हम भी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें मिली है एक्स्ट्रा सर्विस। बताओ कुछ। हाँ भाई, क्यों बैठे हो तुम मोतीलाल ओसवाल पे? सीरियसली थैंक्स फॉर द मोतीलाल ओसवाल, इस असिस्टेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमको सबसे अलग क्यों बिठाया गया है? क्या अपराध कर दिए तुम? मैं उस बंदी से मैंने पहले बात कर दी थी, वो जो हॉस्टल दिख रही ना आपको, उससे मेरी बाहरी बात हो गई थी पहली सेटिंग में। हाँ, उससे मेरी पहले बात बाहर बात हो गई। बस इस बंदे से आप बातें करवा लो बस इससे। बंद कर दें यहाँ पे तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, यहाँ पे नहीं है। क्या बोल रहा था? बोलना। अरे बोलेगा तो बंद कर दूंगा, बता नहीं क्या बोल रहा था। फंस गए यार हम सीरियसली भाई, मेरे को लगता है हम तीन बोर्ड होके यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी के पैसेंजर वहाँ बैठे हुए हैं, और जो ऑलरेडी बोर्ड होके वहाँ चले गए हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि हमें क्यों बिठा रखा है। भाई बसेस आ गई हैं भाई, काम तो खड़े होके कैसा फील हो रहा है आपको? काम करिए आगे, आगे से बनाइए। अगर बनाना होगा ना तो आज यार जगह नहीं होगा, नहीं तो आगे को भाई इतने बड़े 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 अच्छे तो डोमेस्टिक है, इसमें इतने बड़े बड़े जहाज देखने को मिलेंगे। अभी यहाँ पे खड़े खड़े जहाज भाई बहुत अच्छा बनता है भाई, जब तो इंटरनेशनल फ्लाइट में। Ladies and gentlemen, boys and girls, ready to board. Keep your boarding pass ready to be shown to Indigo Security. पहले मेरी सीट ये थी मेरी सीट ये। भाई यार वो ना यार सही में यार पता कहाँ से उतरना पड़ेगा, वो आना पड़ेगा। चल कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कहाँ है 17 ए? ये है मेरी सीट। चलो फाइनली और लड़के बाय बाय दिल्ली। चुप हो जा भाई, ये हमारी कॉर्पोरेट मील इंडिगो की तरफ से। यार तेरे ना सब्सक्राइबर पता क्या बोलेंगे मुझे, बेइज्जती करवा देगा तो मत दिखाना चाहिए कुछ।
चीज सुन लीजिए चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, मिलते हैं बाद में। बोल रहा है एमओटी तक इसी से जाएंगे। हाँ ये ऐसे ही चलता है। हैं? चले फिर। हाँ चलें। पहुँच गए हमने। इसको तो दिखा दी। किसको? लक्ष्य में एंटीला दिखा आपको। मुंबई। क्या? एंटीला दिखा। नहीं मुझे नहीं दिखा। तुमने देखा? क्या बैठे हो बिंदास सीट पे आपको एंटीला नहीं दिखा। एमओटी दिखा होगा लक्ष्य वांडा दे वांडा एमओटी दिखा एमओटी दिखा लक्ष्य का कुछ एमओटी दिखा आप ने दिखा क्या एमओटी देखिए एंटीला दे एमओटी का मोड अप्लाई एंटीला देख रहा है अब देते नींद से जागो भाई मीटिंग में जा रहे हो ठीक है नींद से जागो यार ये बंदा मीटिंग में जा रहा है नींद में सोया हुआ है अभी तक इसको कुछ बोलिए यार प्रवीण मीटिंग डिले हो गई क्या लग रहा है मेरे को मौसम ठंडा ही है बाहर का शायद हां मीटिंग डिले हो गई क्या हां कितने बजे से 10 बजे तो अब तू 10 बजे 10:30 बजे सो के उठेगा क्या हम अभी 3 जन दिल्ली से आए हैं और हमारा एक और पार्टनर जो कहाँ से आ रहा है वो जयपुर से आ रहा है वो भी अभी हमें ज्वाइन करेगा यहीं पे फिर हम साथ में जाएंगे एमओटी कितने हमारा जो मुंबई ऑफिस है फिर वहीं पे चिल करेंगे हाँ कितने बंदे दिखा रहा है इसमें कहाँ पे ग्रुप में कितने बंदे हैं कभी लास्ट टाइम देखा था 15 थे पता नहीं आपको 15 वॉशरूम जब करना पहले यार वॉशरूम जाना है तो जितने ज्यादा जाने एग्जिट किधर है सही जा रहे हैं ना इतनी जगह बढ़िया होंगे इतनी ज्यादा परेशान करने वाले लोग कम होंगे हैं देखो इसमें तो फिर भी सामान सही से आ रहा है नहीं हमारे सामने सामने हमारा लगेज पता क्या फेंक रहे थे वहाँ पे कतर में अरे पकड़ के दे तो तू ना खुश है क्या इंडिगो के सर्विस से नहीं नहीं सही है भाई बहुत अच्छी सर्विस है भाई यार वॉशरूम धो यार बहुत जोर से उसको आ तो तू फ्लाइट में क्यों नहीं गया पड़ा था वो होता है भाई तो स्पेशल गया मैं तो स्पेशल गया भाई स्पेशल अंदर जाके व्लॉग भी बना लिया होगा सब्सक्राइबर को दिखाऊंगा इंडिगो में भला कोई व्लॉग बनाता है ये भी बंदा सच्ची में ना यार प्रवीण तू भी मतलब अच्छा ये डाल चलो प्रवीण मैं आ रहा हूं प्रवीण मैं आ रहा हूं प्रवीण ये भाई पार में लेके ना सही लग रहा है ये बेल्ट नंबर 13 इसी पे आने वाली है हमारी लगेज इसी पे दिल्ली बेंगलुरु की छुट्टी है इसी पे आएगी ये यहाँ से लिखी कहाँ है या तो इधर से आएगा या उधर से आएगा दो सेक्शन देखो देखो लगेज आ गई आपका है अरे लाला क्या हाल चाल आ जा ना कौन से इस पे है लेके आ जा पहले आगे लौटा
कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा जा कहाँ जा रहा है तू मुझे छोड़ के भाई? आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ आ जाओ, रो मत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस वी आर रेडी टू गो। और हमारे ग्रुप का फोर्थ मेंबर मिस्टर निखिल, ये मिलेगा यहाँ। यो बॉय कैसा है? बढ़िया। अरे कोई नहीं, अबे नहीं छूटेगा, टेंशन क्यों ले रहा, नहीं छूटेगा बैग तेरा, छूट ही जाएगा तो क्या ही दिक्कत है, छोड़ देना है। घर पे पहुंच गए भाई, सुबह कितने बजे चेक इन करा था? हां सुबह कितने बजे चेक इन करा था यार? यहां आया तो बॉम्बे के स्मोकिंग जोन में स्मोक तो करना पड़ता है। एयरपोर्ट कितने बजे आया है भाई? तीन बजे का बैठा तो करते ही नहीं ना। नहीं जाओ करके आओ मजे से, तुम जाना निकल पा नहीं अभी। अरे सुन भाई, तू जाना पसंद करेगा? चलो फिर मैं और प्रवीण एक समाज के इंसान है, आप लोग जाओ। हम एक समाज के, आप दूसरे समाज को बात करूंगा। गुनाह हो गया क्या तेरे साथ? ये देखो यार, धोखा हो गया, धोखा। गाली दो उसको। क्या हुआ, क्या करना चाह रहा है? भाई को ब्लेजर निकालनी थी, बताओ यार। ये कौन सा टैग लगा दिया तेरे में? मेरे में तो नहीं लगा है। हमारे में भी है? है हमारे में। अच्छा पता है इसने क्या करा था? अरे हाँ यार, हमारे में नहीं है, लॉक लगा के रखा। तूने करा था क्या ये? या गुड बॉय। तूने करा था क्या? नहीं नहीं, तूने करा था क्या? निकाल ले। अच्छा लक्ष्य भाई एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि आज जो ये सुबह सुबह जो परेशान किए हैं मीटिंग में, आज कितने बंदे कंसिस्टेंसी के साथ बैठे रहेंगे और कितनों को नींद आएगी? 90% तो जबकि लेंगे, 10% होंगे जो थोड़ा फोकस कर पाएंगे, वो भी अगर सीनियर आ गए इंट्रोडक्शन के लिए तो बात अलग है ना। वही कह रहा हूँ, मेरे को एक घंटे का पावर नैप मिल जाए ना बस। मुझे भी चाहिए, सीरियसली बताओ चाहिए मुझे भी एक घंटे का पावर। आज पूरा दिन मेरे को ऐसे जाएगा, मुझे नहीं लगता रात को हमने से कोई सा कोई भी ढंग से सो पाया हो, चाहे दो घंटे चाहे तीन। आज का पूरे दिन मेरे को तो लग रहा वैसे ही जाएगा। क्या बोल रहा है? ट्रेनिंग तो होगी, बट सब नींद में रहे। हाँ बस वो है कि नींद में रहे, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट नहीं होनी चाहिए यार, गलत है। और ट्रेनिंग मीटिंग्स वगैरह सब में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए यार। मेरी लाइफ की पहली ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, मज़ा तो आया बट मीटिंग्स के लिए नहीं अच्छी। क्लाइंट 50 लाख का बोला पीएम ने, सारे को 1 करोड़ बेच के। चलो चलते हैं बाहर, बाहर मराठी में बाहर, ठीक है? देखो एमओटी से कोई खड़ा है क्या हमारे वेलकम के लिए? अब यहाँ से हम कैब बुक करेंगे और जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं मोतीलाल ओसवाल टावर। 50 हो रहा है बोलेंगे तो लगेज लगेज लगेज। ये है हमारा मोतीलाल ओसवाल। चलते हैं अब ऑफिस के अंदर। आईडी लगाना पड़ेगा।
डन फॉर द डे। ओ भाई, ओ भाई, पर्दा है पर्दा। कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया ये आज का ट्रेनिंग लेके। कैसा फील हो रहा है? ये सिखाने को बुलाया है मोतीलाल ओसवाल टावर के सामने खड़े होके ये आज की ट्रेनिंग का फीडबैक दे रहा है। क्या फीडबैक दे रहा है यार? सिगरेट का क्या तोड़ होता है यार? इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था भाई, इतना ट्रेनिंग तो आप जूम में भी दे सकते थे। ऐसा कैसा हो? अलाउड मतलब कंपनी के थ्रू? तो अपने इससे खाएंगे क्या अभी? क्या क्या चाहता क्या है भाई? तो जेब से एक और पैसे निकालेगा ना, तो निकालो भैया, हम तो खाएंगे ना भाई। क्यों निकालो भाई? सही बात है ना, कनेक्ट बिल्कुल। सुनो भैया बैठे बाजू में, धीरे बोल, चिल्लाओ मत दोनों। ये सबसे बड़ा चूतिया, ये देखा नहीं आपने? स्वेटर पहना है, उसके ऊपर कोट पहना है। जो एरिया में आप लोग होटल ले रहे हो ना, खाली वहाँ चल चल के घूमोगे तो एकदम फुल मजा आ जाएंगे। मोतीलाल से ट्रेनिंग लेते हुए दोनों वाले वाला फिर, और इनकी असलियत सुनो। मैं तो सामान रखूंगा और एमसी स्टैंड दिख रहा है। 2 घंटा का खाना वाना खाने का शौक है ही नहीं, मैं रात को खाता ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं। रात को खाना नहीं खाते? तो बिल लगाना, बिल देना भाई। एक अगर ऐसी जगह पे अपना घर अपना होटल आप पहले ऑर्डर करेंगे, नहीं करने का मजा तो आएगा। थोड़ा बहुत सामान सामान तो खरीदेंगे यहाँ पे। This is at our hotel. सब लोग हैं मोटी से ही आके यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। सो गाइज, ऑफिस से आने के बाद बहुत थक गया था क्योंकि लास्ट नाइट सो नहीं पाया, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो नींद पूरी नहीं हुई थी बिल्कुल भी, इसलिए बहुत थक गया था। मीटिंग के बीच में भी बहुत नींद आ रही थी। अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट जो बहुत फर्स्ट फ्लाइट थी मेरी, बट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बहुत नींद आ रही थी। तो अभी आने के बाद सो गया था, सो के अभी उठा हूँ, फिर डिनर वगैरह कंप्लीट हो गया हमारा, अब मैं बेड पे आ गया हूँ अपने रूम में आ गया हूँ सोने के लिए बेड पे। ये लड़का ठीक है, तो फाइनली बेड पे आ गया हूँ, अब सोते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए गुड नाइट। और हाँ बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा मेरा फर्स्ट ब्लॉग, मेरे इस जर्नी का अपना फीडबैक देना, है ना? ज़रूर अपना फीडबैक देना और बताना कि कैसा लगा, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँ या क्या करूँ, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, है ना? तो और अगर वीडियो लोग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी मैं यहाँ पे 4 दिन हूँ मुंबई में, फ्राइडे नाइट को मेरी रिटर्न फ्लाइट है दिल्ली के लिए, तब तक मैं यहाँ हूँ, तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके, गुड नाइट।